कांतारा मूवी ने गाना चुराया है, आदि पुरुष मूवी का रिलीज डिले कर दिया है, ये सब क्या हो रहा है? आइए बात करते हैं। आज जो हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, दोनों में एक कॉमन चीज है, वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आर्टिस्ट की, मेकर्स की और ऑडियंस की भी। कैसे? पहले बात करते हैं आदि पुरुष की। मूवी जनवरी में आने वाली थी पर उसको डिले कर दिया अप्रैल मई के लिए, पर अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, उस मूवी को ये करना चाहिए, क्योंकि वो मूवी रामायण कथा के ऊपर है जो लोगों के दिल के बहुत पास है, उसको पूजा जाता है और एज अ फिल्म मेकर आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए उसको अपनी तरीके से दिखाना, लेकिन उसका भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब आप एक इतनी पूजनीय चीज पे मूवी बना रहे हैं तो आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जो जब टीजर आया हमें नहीं दिखी और टीजर पूरा बैकफायर कर गया। हर जगह उस मूवी की आलोचना हुई, उसका मजाक उड़ाया गया और ये मेकर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा है इस मूवी पे जो कहा जा रहा है 500 करोड़ है, और इसलिए अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और मूवी को डिले करके मूवी को और बेहतर करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी बात है। और ये कोई नई बात नहीं है, हॉलीवुड में ऐसा बहुत हो चुका है। 2020 में ही सोनिक मूवी आई थी, उसका जब ट्रेलर आया था और सोनिक का जो कैरेक्टर था लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, स्पेशली जो फैंस हैं, और उस मूवी को इतना बैकलैश मिला ऑनलाइन, और उसके बाद क्रिएटर्स ने कहा हम उसका चेंज करेंगे, तो मेकर्स ने सोनिक का पूरा कैरेक्टर चेंज किया और वो जैसा गेम्स में दिखता है उसको वैसा बनाया और फिर मूवी रिलीज की। अब वो अलग बात है, वो मूवी 2020 की सबसे बड़ी मूवी बन गई क्योंकि पेंडेमिक आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो और कोई मूवी रिलीज हुई नहीं। चलो ये तो हो गई एनिमेशन मूवी। लाइव एक्शन मूवी में भी काफी बार पूरे एक्टर्स को बदल दिया गया है मूवी शूट होने के बाद, क्योंकि उस एक्टर का नाम कंट्रोवर्सी में आ गया था या मीटू मूवमेंट में आ गया था, तो मूवी शूट होने के बाद उनको हटा दिया गया VFX से और नए एक्टर के साथ शूट करके उनको मूवी में डाल दिया गया। तो हॉलीवुड में ये सब होता रहता है, पर इंडिया के लिए पहली बार होगा कि बैकलैश मिलने की वजह से मूवी डिले हो रही है कुछ चेंजेस के साथ। बट आदि पुरुष के मामले में मूवी कितना ही चेंज हो सकती है, क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं कि जो मूवी का स्टाइल है वो ही ऐसा है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको बेटर लुकिंग बना सकते हो, लेकिन उसको पूरा बदल नहीं सकते। पूरा बदलना मतलब पूरी मूवी को खारिज कर देना और फिर से जाके मूवी फिर से बनाना, मतलब दुगना पैसा डालना, वो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए कि आदि पुरुष वापस आ सकती है या जो हो गया वो हो गया। अब आते हैं कांतारा की कंट्रोवर्सी पे। अगर आपको नहीं पता तो केरला का एक बैंड है थाईकुदम ब्रिज, उन्होंने कांतारा के मेकर्स पे केस किया है कि उनका गाना वराह रूपम उनके गाने नवरसम का कॉपी है, उनका पूरा गाना चुराया गया है और उनको क्रेडिट नहीं दिया। अब ये केस कोर्ट में चलेगा और मैं आपको अपना बता दूं, मुझे म्यूजिक की काफी नॉलेज नहीं है, लेकिन दोनों गाने सुनने के बाद मुझे भी लगा कि वो काफी सिमिलर है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हुए हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो काफी सिमिलर साउंड करते हैं, और ऑनलाइन काफी लोग डिबेट कर रहे हैं कि दोनों गाने सेम रागा यूज कर रहे हैं इसलिए सेम है। लेकिन उसका जवाब ये है कि आप सेम रागा पे तो गाना बना सकते हो, लेकिन सेम अरेंजमेंट के साथ सेम रॉक म्यूजिक यूज करके गाना सेम कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। अब ये जान पूछ के हुआ या बहुत बड़ा संयोग है कुछ नहीं पता हमें, सच्चाई हमें कभी पता नहीं चलेगी, पर एज ऑडियंस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें साथ देना है सही का। एक आर्टिस्ट बहुत मुश्किल से कुछ अपना खुद का बनाता है और अगर उसके साथ गलत हो तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत साल पहले ये कॉपी करना बहुत ही आम बात थी, सीधा सीधा डायरेक्ट छाप देते थे हॉलीवुड फिल्मों से, पर वो सब आज नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, ऑडियंस ने सब कुछ देखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होगा आज तो हम पता लगा लेंगे, और वही हुआ इस केस में। लोगों ने ये पहले आवाज उठाई, अरे ये गाना तो उस गाने जैसा साउंड कर रहा है, और उन्होंने बैंड वालों को ये बात बताई, और एज ऑडियंस यही है हमारी जिम्मेदारी। और ये केस बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि जो लॉज है कॉपीराइट के वो बिल्कुल डिफाइन नहीं है, वो हर केस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लागू होते हैं कि नहीं होते, और ऊपर से ये तो म्यूजिक है, आप कैसे बताओगे कि असली म्यूजिक है कि कॉपी किया है? अगर कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उससे लगता है कि कांतारा के मेकर्स गलत थे। देखिए अगर आपने कांतारा देखी है, क्लाइमेक्स में ये सॉन्ग यूज होता है और मजा आ जाता है सीन देख के, और अगर आप नवरसम म्यूजिक वीडियो भी देखो तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो एज ऑडियंस हम तो दोनों से बहुत खुश हैं, लेकिन सिर्फ वो ही काफी नहीं है। जो बैंड है उनको क्या चाहिए? क्रेडिट। उनका छोटा सा बैंड है, वो खुद अपना म्यूजिक बनाते हैं, और अगर उनका गाना एक मूवी में यूज हो रहा है और मूवी एक ब्लॉकबस्टर बन गई है पैन इंडिया, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। अगर उनको क्रेडिट मिलता है तो कितने लोगों को पता चलेगा भाई इन्होंने गाना बनाया था, ये उनका कितना फायदा होगा। और वो बैंड वाले पहले भी अलग अलग मूवीज और शोज के लिए म्यूजिक दे चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होती। और जब एक पिक्चर बनती है डायरेक्टर के दिमाग में होता है कि भाई मुझे ऐसा म्यूजिक चाहिए, और कभी कभी वो ऑलरेडी किसी और का म्यूजिक यूज करते हैं एज अ रेफरेंस कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसी वाइब चाहिए गाने से, और वो ये म्यूजिक कंपोजर को बताते हैं। और मूवी बनाने में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, तो हो सकता है सेम कांतारा के साथ भी हुआ हो। देखिए अब जो होना है वो कोर्ट में होना है, मैं या आप क्या सोचते हैं कोर्ट में वो सब नहीं चलता, वहां सिर्फ चलते हैं फैक्ट्स एविडेंस। और इस केस का जो भी डिसीजन होगा वो बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो जाएगी कि ओरिजिनल म्यूजिक क्या होता है, कॉपी क्या होता है। अगर आपका गाना थोड़ा सा भी किसी और गाने की तरह याद दिला रहा है तो मतलब आपने कॉपी किया है, तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो देखते हैं इस केस का क्या नतीजा आता है, तब तक आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो थम्स अप बटन दबाओ, कमेंट से मुझे बताओ आपको क्या लगता है, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार।